हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं केथ्री गुरु ट्रैवल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी बुलेट ट्रेन के लोगों के बारे में। जी हाँ, नया लोगो डिज़ाइन किया जा चुका है बुलेट ट्रेन का। और ये लोगो कैसा दिखता है, ये कहाँ से लिया गया है, किसने इसको बनाया है, आइए इस बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने बुलेट ट्रेन का लोगो। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बुलेट ट्रेन का ये नया लोगो है जिसमें एक चीते जैसा बना हुआ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के एक छात्र ने ये डिज़ाइन किया है बुलेट ट्रेन का लोगो, जिसे सेलेक्ट किया गया है। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, जिसमें प्रसिद्ध चित्रकार और वास्तुकार सतीश गुजराल, नीति आयोग के सदस्य और NHRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी शामिल थे। तो इन 3 लोगों की कमेटी ने ये लोगो डिसाइड किया है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के छात्र ने बनाया है। छात्र का नाम आपको बताएं तो चक्रधर अल्लाह ने ये बनाया है। 27 साल की इनकी उम्र है और इसे बुलेट ट्रेन के लिए चुना गया है। तो चलिए जानते हैं इस लोगो की क्या खासियत है और इसे क्यों सेलेक्ट किया गया। तो सबसे पहले तो इस जो कमेटी बनाई गई थी, इसने एप्लीकेशन मंगाए थे लोगों से। अब मतलब अलग अलग डिज़ाइन के लिए एप्लीकेशन मंगाए थे। बहुत सारे एप्लीकेशन आए जिनमें से इसको सेलेक्ट किया गया है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो 19 अप्रैल से 18 मई के बीच आवेदन स्वीकार किए गए थे। और सूत्रों के अनुसार चीता को इसलिए चुना गया है क्योंकि वह गति का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल सही बात है, चीता जो दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है देखकर कि हाँ, ये हाई स्पीड है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन का लोगो है, तो ये चीता यहाँ पे काफ़ी सूट हो रहा है। नीला और लाल जो कॉम्बिनेशन रखा गया है, वो एक्चुअली थोड़ा शांत और विश्वसनीयता का प्रतीक होता है, इसलिए रखा गया है। और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस लोगों को बुलेट ट्रेन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स पर लगाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी बुलेट ट्रेन का नया लोगो मिल गया है। तो दोस्तों, ये था हमारे नए लोगों के बारे में। बाकी ऐसी ही ट्रैवल रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि हम और किस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।